दोस्तों नमस्कार, आज हम हरियाणा का जो पशुधन प्रदर्शनी है, 37वीं पशुधन प्रदर्शनी है, वहाँ पर आए हैं। और ये NDRI करनाल जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आज हम आपको बताएंगे कि जो पशुपालक भाई जो बाहर प्राइवेट बाज़ार से 1000 से 1500 रुपये का जो मिलने वाला जो सेक्स सीमेन है वो बाहर से काफ़ी महंगा लेते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंतर्गत वो मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सर हमारे साथ हैं, तो सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर अपना नाम और थोड़ा अपने डिपार्टमेंट का जो नाम है वो बता दीजिए। Myself ईश्वर सिंह, सीमन बैंक करनाल, हरियाणा सरकार। तो जैसे सरकार की स्कीम है, सरकार ने बाज़ार में पहले 1500 रुपये के रेट के लगभग मिलता था सीमन, उसको है ना सब्सिडी रेट पे किसानों के लिए केवल मात्र 200 रुपये में, ताकि उनके आय को बढ़ाने के लिए हमारे पास फिलहाल 3 नस्ल का सीमन उपलब्ध है। एक तो HF है, HF में हमारे पास 4-5 बुल हैं, HF पाइपर है, HF डस्टर, HF ब्रूट, HF मैजिक, और दूसरा हमारे पास नस्ल है साहिवाल नस्ल का, बादल का सीमन उपलब्ध है, और उसके अलावा हमारे पास गिर नस्ल का, रफ्तार बुल का सीमन उपलब्ध है। ये हम किसानों को मात्र 200 रुपये में लगाते हैं। तो सर ये जो आपने जो बुल्स के जो नाम बताए हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट्स के बुल हैं, मतलब लाइव स्टॉक जो है ये? जी सर। ये गवर्नमेंट के अंडर कट है या बाहर के बुल हैं? ये बुल है ना, ये अमेरिकन कंपनी है जैसे ABS, उससे सरकार ने वो जो उनके रेट हैं उनसे खरीद के, ज़्यादा रेट हैं जैसे, लेकिन सरकार ने पहले तो हमने 500 रुपये रेट किया था, फिर किसानों को देखते हुए हमने 400 रुपये रेट किया, अब विभाग ने 200 रुपये रेट निर्धारित किया है ताकि किसानों का इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। और जो जैसे बछड़ियों का उत्पादन करेंगे तो बछड़ियों से उनकी इनकम बढ़ेगी, और ये उन बुलों का सीमन है जिनकी मादा गायों के अंदर ज़्यादा दूध देने वाले हैं, हाई मिल्क इल्ड है जिनकी। अच्छा, उनका बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जो जैसे कि आपने साहिवाल में बताया और जो गिर में बताया, उसमें अभी एक एक बुल का ही सीमन अवेलेबल है? नहीं, उसमें साहिवाल में ना बुल तो और भी हैं, लेकिन हमने थोड़ा सीमन खरीदा अभी, जो हमारे पास अभी अवेलेबल है साहिवाल बादल का। आने वाले समय में और भी आएगा, और विभाग कोशिश कर रहा है कि अपने लेवल पर हिसार यूनिवर्सिटी से भी और सस्ते रेट पे आने वाले टाइम में उपलब्ध हो जाएगा, और अच्छा सीमन जो सेक्स सीमन उपलब्ध होगा। तो सर थोड़ा ये बताइए कि जो आम जो पशुपालक है, कहीं ना कहीं कुछ जो सरकारी स्कीमें हैं कई बार होता है कि उन तक नहीं पहुंच पाती। जी, जी। या वो लेने में मतलब समर्थ नहीं होते, या उन तक उनको पता नहीं चल पाता। हाँ। तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ पर अपने लेवल पे, जिले के लेवल पे कहाँ जाके वो ये प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो देखो, आप लोग देख रहे हो NDRI में हमारे यहाँ मेला ग्राउंड में हमने सभी विभागों के बहुत अच्छे तरह के स्टॉल लगाए हैं, फिर भी किसी पशुपालक को नई जानकारी उपलब्ध होती तो विभाग के उप निदेशक कार्यालय में जाकर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाकर, वहाँ से सभी स्कीमों का पता कर सकते हैं। तो ये जो आपने जो ऑफिस बताया है डिप्टी डायरेक्टर का, ये हर एक जिले में अपने जिले के स्तर? हर जिले में एक डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस होता है, उनके नीचे उपमंडल अधिकारी होते हैं, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी भी आपको जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेटनरी सर्जन जो गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल हैं एरियो में, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी आपको उपलब्ध हो सकता है। तो सर इसकी जैसे कि आपने बताया कि वो जानकारी ले सकते हैं, तो अभी ये कितनी मात्रा में जो डोज हैं वो उपलब्ध है मार्केट में, मतलब ये पर्याप्त रूप से है या अभी स्टार्टिंग फेज में थोड़ी कम निकाली है? नहीं, अभी है ना HF की, और ये जो है ना काफ़ी सरकार ने खरीदी हैं, अभी हर हॉस्पिटल में हर डिस्पेंसरी में पहुंच चुके हैं, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और विभाग और भी खरीदता रहेगा। तो सर थोड़ा ये डिपार्टमेंट के जो फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं ये हम आपको पंपलेट दिखा देते हैं, पशुपालक भाइयों को हम ये पंपलेट भी साझा करना चाहेंगे जो कि डिपार्टमेंट द्वारा ये दिया गया है, आप यहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो सर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई पशुपालक भाई करना चाहे, तो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, तो कुछ आप बता सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर क्या? ऐसा करें, पशुधन हरियाणा विभाग की ये साइट है, उस पर साइट पे जाएंगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन उपलब्ध हैं, वहाँ से आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। तो
पशुपालक भाई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, पशुधन विकास हरियाणा, हाँ जी, इस पे जाके। दूसरी हमारी HLDB की साइट है जो सीमन से रिलेटेड है, जिसमें आप HLDB सायर डायरेक्टरी निकाल सकते हैं। सायर डायरेक्टरी निकालेंगे तो आपको ना उस बुल का पूरा डाटा मिल जाएगा, इसकी मदर के नीचे कितना दूध था। तो सर ये मुर्रा में भी कुछ ऐसा सेक्स सीमेन अभी आया है सॉर्टेड, जो सीमेन की बात करें तो? विभाग है ना, इसके लिए प्रयास कर रहा है और जल्दी ही यूनिवर्सिटी इसको शुरू करेगी। तो मैं पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट जो सीमेन जो लेते हैं, जो सेक्स सीमेन की अगर मैं बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में 1000 से 1500 रुपये तक का उनको मिलता है और उनको काफ़ी खर्चा आता है। तो अभी सरकार ने ये पहल की है कि जो जितनी भी नस्लें हैं, अभी ज़्यादा नस्लों का तो उन्होंने नहीं निकाला है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में उन्होंने जो नस्लें सर ने हमको बताई हैं, उन नस्लों का जो सीमेन है, सेक्स सीमेन, वो उपलब्ध है और वो भी मात्र 200 रुपये में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है। तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए और भी लाते ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।